आप देख रहे हैं NHI News, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। 2 किलो गांजे के साथ 2 को पकड़ा। जावरा शहर थाना पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार युवकों को रोका और जब उनकी तलाशी ली तो इनके कब्जे में 2 किलो गांजा मिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक जब्त कर ली। पूछताछ में इन्होंने बताया कि गांजा राहुल गुर्जर रणायरा से लाना बताया था। जैसा कि आपको पता है, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी साहब के नेतृत्व में लगा एक मुहिम चल रही है, हमारी मुक्ति अभियान चल रहा है विगत 5 जुलाई से। इसी अभियान के तहत कल हमें एक अच्छी सफलता मिली। हमारे थाना प्रभारी VD जोशी के नेतृत्व में 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है 2 किलो गांजे के साथ। एक का नाम है दिनेश गुजर और दूसरा है हमारा गणेश गुजर। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं अभी और इनको जिस व्यक्ति ने बुलाया था गांजा देने के लिए, राहुल गुजर जो रणायरा का रहने वाला है रिंगनोद का, उसकी तलाश जारी है। आज हमने इनको कोर्ट में पेश किया है। मोटरसाइकिल से ये लोग आ रहे थे, ताल नाके पर इनको गिरफ्तार किया है हमने। इनका 31 तारीख तक का हमने PR लिया है। जब्त माल की कीमत कितनी होगी? जब्त माल की कीमत गांजा आप जैसा पता है आपको हल्का होता है पर अच्छी कीमत मिलती है गांजे की। कितनी अप्रोक्स होगा? 60,000 का तो होगा कम से कम। सर ये कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं हम, राहुल जो है वो बताएगा और इन लोगों से अभी पुलिस रिमांड लिया है हमने। सुनने में आया कि लोग शिक्षित भी हैं और कोई डिग्री वगैरह नहीं? हाँ, एक लड़का बात हुई जिससे हमने बता रहा BHSMS किया हमने, वहाँ से कर रहा है वो सीहोर से, और एक तैयारी कर रहा है अच्छी प्रोफाइल हाई प्रोफाइल की किसी की BA का कर किया उसने। शिक्षित लड़के हैं दोनों अच्छे पढ़े शिक्षित हैं। ग्राउंड वगैरह कहीं देखा सर? ये मक्सी के हैं ये लोग, शाजापुर जिले के। क्या पूर्व में कोई अपराध वगैरह किया है? ये जानकारी आप प्राप्त करेंगे हम इसके बारे में। थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।